झारखंड की राजधानी किसी भी मायने में जो दूसरे राज्य हैं उनकी राजधानी के बराबर में आज तक खड़ा नहीं हो पाया है। कितने वर्षों बरस से जो हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, चाहे रोड हो, बिजली हो, पानी हो, नाली हो, मूल जरूरत हो, ये बीजेपी के लोगों ने कभी भी पूरा नहीं किया। आज आप लोगों को ये मानना होगा, ये स्वीकारना होगा कि झारखंड में अगर शिक्षा के स्तर पे प्रेम जी ने यहाँ पर में हमारी यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया है तो ये भी अगुवा सरकार में हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने रांची के जेएमएम प्रत्याशी डॉक्टर महुआ माझी के जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भी हम अपने हक की और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है तब से रांची में बीजेपी के लोगों ने शासन किया है, चाहे वह सांसद हो चाहे वह विधायक। बरसों से राजधानी में बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन आज भी झारखंड की राजधानी रांची अन्य राज्य की राजधानी के मुकाबले किसी भी मायने में बराबर नहीं खड़ा हो पाया है। अभी चुनावी समय है और इस वक्त में आज हम अपने हक की, अपने अधिकार की, अपने सम्मान की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आज यहाँ रांची में जहाँ पे जब से ये झारखंड बना है तब से यहाँ पर में बीजेपी के लोगों ने शासन किया है, चाहे विधायक के तौर पे हो, चाहे सांसद के तौर पे हो, चाहे यहाँ पे कोई भी पद रहा हो, सबसे ज्यादा उन्होंने यहाँ पर में सत्ता में रहे हैं। लेकिन आज इतने बरस बीत रहे हैं, 24 बरस बीत रहे हैं, अभी ये रांची झारखंड की राजधानी किसी भी मायने में जो दूसरे राज्य हैं उनकी राजधानी के बराबर में आज तक खड़ा नहीं हो पाया है। कितने वर्षों बरस से जो हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, चाहे रोड हो, बिजली हो, पानी हो, नाली हो, मूल जरूरत हो, ये बीजेपी के लोगों ने कभी भी पूरा नहीं किया है। खाली हम लोग के बीच में आते हैं, हम सब मिलकर के एक साथ में यहाँ पे सबको आगे लेके बढ़ने की बात करते हैं तो ये लोग बीच में भ्रम फैलाने की बात करते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कितने वर्षों बरस से रह रहे थे ये बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग। आज झारखंड में अगर आप जो सबसे पहले देख रहे हैं, पहला फ्लाईओवर बन के तैयार हुआ है वो इसी अगुवा सरकार ने।